अहम खबर, चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट हासिल कर ली गई है। उस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तनाई हैं। ताहम लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवर हुसैन ने 1 अगस्त 2023 को कीमतों के तायुन के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया है। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी, जो पंजाब गवर्नमेंट को जो हुक्म इम्तनाई के हवाले से जो कि चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बारे में एक खुफिया रिपोर्ट जो पेश की गई है वजीर अला पंजाब को, जिसमें बताया गया कि चीनी की कीमतों में असल इजाफे की वजह ये थी कि चीनी की कीमत पहले 99 रुपए मुकर्रर की गई थी और ये चीनी की जो कीमत थी ये कम थी, लेकिन जब अदालत में ये मामला गया और इस पर हुक्म इम्तनाई दे दिया गया तो उस हुक्म इम्तनाई के बाद एक दूसरा इसकी कीमतों के बारे में भी जब दोबारा हुक्म इम्तनाई हुआ और इसकी जो डेट थी वो 23 सितंबर 2023 मुकर्रर की गई इसकी दोबारा जो समाप्त थी, तो इस हवाले से जो फिर चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, बेबुनियाद इजाफा हुआ और उसकी वजह से चीनी की कीमत पे जो असल जो कीमत थी वो 100 रुपया थी लेकिन उस पर इजाफी कीमत वसूल की गई और इसकी वजह से जो लोगों की जेबों से अजाफी सार्फिन की जेबों से अजाफी रकम भी निकाल ली गई और इसकी वजह से जो है इसकी वजह से कीमतें ना मुकर्रर करने की वजह से बेबुनियाद जो इजाफा हुआ चीनी की वजह से और उसकी वजह से लोगों को बड़ा नुकसान हुआ और इसके बारे में जो केक कमिश्नर थे वो इसकी पहले कीमत मुकर्रर करते थे लेकिन वो कीमत को इसको डेफर करने की वजह से कीमतों का तयन नहीं हो सका और इसकी वजह से बिला बहुत ज्यादा चीनी की कीमतों पर बिला वजह इजाफा हुआ और एक किलो चीनी पर जो है कि ये 180 रुपए केजी होगी 80 रुपए तक वसूल किया जाता रहा और इसका जो बोझ है वो इजाफा हुआ। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद इलियास, बहुत शुक्रिया आपका।